अब बारी है कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लोग गणपति की पूजा से पहले कैसे करें खुद को शुद्ध और फिर कैसे करें गजानन महाराज की उपासना, पंडित जी बताइए। देखिए कर्क राशि के जातकों का जो स्वामी है चंद्रमा है, जैसा कि आप जानते हैं, तो गणेश उपासना से पहले कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि सबसे पहले खुद पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके आप स्नान करें। आज से लेकर के गणपति विसर्जन तक अर्थात 10 दिनों तक हर रोज गणेश जी का दही से आपको अभिषेक करना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप जल से अभिषेक नहीं करेंगे, जल से भी करेंगे, शहद से भी करेंगे, गन्ने के रस से भी करेंगे, घी से भी करेंगे, लेकिन दही से आप विशेष रूप से गणेश जी का अभिषेक करेंगे। हर रोज गणेश जी को सफेद चंदन से तिलक कीजिए और सफेद फूल उन्हें अर्पित कीजिए। मक्खन और खीर का आप भोग लगाइए और गणेश जी का ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो बुध स्त्रोत का पाठ करें और गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाएं। इससे जहां आपके नौकरी में तरक्की होगी, वहीं आपके व्यवसाय में भी उन्नति का वातावरण बनेगा।